हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल स्काईलाइन यूपीवीसी डोर एंड विंडो सिस्टम पर आपका स्वागत है। मैं दीपक अग्रवाल आज आपको एक स्पेशल और प्रीमियम विंडो के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका काफ़ी लोगों को इंतज़ार है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों के मेरे पास जो कॉल्स आ रहे हैं उससे अधिकतर लोगों की ये इंक्वायरी है कि वो अपने घरों में टेरिस पर, गोडाउन में या पूल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा ओपनिंग वाली जगह वो चाहते हैं, तो उसके लिए वो जानना चाहते हैं कि कौन सी विंडो लगाएं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्लाइड एंड फोल्ड स्लाइडिंग डोर के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपको स्लाइड एंड फोल्ड के बारे में सारी जानकारी दूंगा कि उसके किस तरह के स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, कौन सा हार्डवेयर लगाना चाहिए, कौन सा ग्लास यूज करना चाहिए और किस तरह की उसकी फिटिंग्स होनी चाहिए। तो कृपया आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यूपीवीसी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको नई नई वीडियो में जल्द से जल्द मिल सके। तो कृपया हमारे चैनल को आप देखते रहिए, कीप वॉचिंग। आइए शुरू करते हैं। तो ये एक सेंटर स्लाइड का इनर व्यू आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये लेफ्ट साइड का डोर खोलते हैं, उसके बाद दूसरे डोर को स्लाइड करके बीच वाला डोर हिंचेस के साथ लगा होता है और ये स्लाइड करके एक तरफ सारे पल्ले इसके चले जाते हैं। अभी मैं इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। और जब भी इसको बंद करना होता है तो इस तरह से इसको खींच करके सबसे पहले जो बीच वाला पल्ला है उसकी लॉकिंग की जाती है, फर्स्ट वाले पल्ले की, उसके बाद सेकंड फिक्स होता है और थर्ड वाला ये पल्ला इसको लॉक किया जाता है और लास्ट में सबसे आखिरी वाला लेफ्ट साइड का लॉक किया जाता है। ये इसका बाहर से व्यू है, इसमें डबल हैंडल होता है, एक हैंडल अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, तो इसको अंदर से भी लॉक कर सकते हैं और बाहर से भी। अभी मैं सारी जानकारी इसको बाहर से दिखा रहा हूँ आपको। ये बाहर से आप देखेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट साइड का ये पहला पल्ला दिख रहा है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात यह है कि अब भी ये सारी एक केसमेंट सीरीज होती है और यहाँ पर हमने जो पल्लों में जो सेस यूज़ किया है वो 102 mm का मिनिमम होना चाहिए। और चूँकि ये भारी पल्ला होता है इसलिए रोकने के लिए आप हिंचेस देख रहे हैं, हैवी वाले हिंचेस लगाए गए हैं। तो अगर पल्ला छोटा है तो 3 inches लगा सकते हैं, अगर आपका पल्ला 7 foot या उससे ज़्यादा है तो हम 4 inches का भी यूज वहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक फिक्स वाला पल्ला हमेशा उल्टा लगाया जाता है, उसके बाद जिसमें लॉक होते हैं वो सारे पल्ले 102 mm के होते हैं। ये देखिए, और राइट साइड का यानी कि आखिरी का जो पल्ला होता है वो भी 102 mm सेस का होना चाहिए और उसे भी मजबूत हिंचेस के साथ में लगाना चाहिए। अभी जो लास्ट वाला पल्ला लॉक होता है उसमें आप देख रहे हैं कि अंदर की साइड में जो स्पैग यूज़ किया गया है ये डबल लॉक वाला स्पैग होता है, जिसमें एक लॉक ऊपर होता है और एक नीचे होता है और सेंटर में इसका हैंडल होता है। ये हैंडल जब अंदर हो जाता है तो इसी के ऊपर लास्ट वाला पल्ला लगाया जाता है। ये आप देख रहे हैं इसमें हिंचेस नीचे भी लॉक है ज़मीन में और एक सेम लॉक ऊपर की साइड भी है। और आप देख रहे हैं ये केसमेंट सीरीज का 75 mm की आउटर यहाँ पे लगाई गई है, जो कि 102 mm के सेस को पल्ले के रोकने के लिए बहुत अच्छी होती है। आप देख रहे हैं इस आउटर के ऊपर जो हार्डवेयर लगाया गया है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि इसका जो हार्डवेयर होता है वो सभी कंपनियाँ नहीं बनाती हैं, कुछ चुनिंदा कंपनी बनाती हैं, क्योंकि इसका हार्डवेयर काफ़ी महंगा होता है और विंडो के हिसाब से ही उसे कस्टमाइज करके बनाया जाता है। अब मैं इसके आपके सारे स्पेसिफिकेशन दिखाऊंगा। पहला डोर खोलने के बाद सेकंड डोर के लिए लॉक खोला और इस तरह से पल्ले को खोल के लेफ्ट साइड का जो पहला पल्ला है उसका लॉक खोल के उसे खींचा जाता है, उसके बाद सारे पल्ले आराम से स्लाइड करके एक तरफ ले जाए जाते हैं। ये देखिए कितने प्यार से ये पल्ले अच्छी तरह से स्लाइड करते हैं। अब यहाँ हम यहाँ पर देखें तो ऊपर फ्रेम के ऊपर चैनल लगाई गई है, ये चैनल इतनी हैवी क्वालिटी की होती है क्योंकि सारे पल्लों का लोड इसी के ऊपर होता है। ये देखिए, जितनी बड़ी हमारी आउटर फ्रेम होती है उतनी बड़ी
यहाँ पर हार्डवेयर की फ्रेम लगाई जाती है, और जो भी फ्रेम हमारी आउटर की होती है उसमें चारों तरफ अच्छी तरह से रबड़ लगानी चाहिए, क्योंकि हमारे पल्ले इसी के ऊपर फिक्स होकर टाइट होते हैं। ये आप लॉक देख रहे हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट गेट का लॉक का हिंचेस का लॉक है, और ये जो हमारा फर्स्ट पल्ला होता है उसके लॉक का यहाँ पर कीप लगाई गई है। अभी आप हार्डवेयर का देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह का हार्डवेयर यहाँ पर लगाया जाता है। ये तीनों पल्ले को अंदर से व्यू आपको दिखा रहे हैं। सभी पल्लों में 3D हिंचेस या फ्लैट हिंचेस या कंसील हिंचेस, कोई भी हिंचेस अच्छी तरह से लगा सकते हैं, बशर्ते कि वो अच्छी क्वालिटी के हों, और जितने भी पल्ले हमारे हैं वो अंदर से दोनों तरफ अच्छी तरह से रबड़ लगानी चाहिए, क्योंकि सारे पल्ले एक ही रो में आते हैं, इसलिए उनका आपस में सटकर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये आप देख रहे हैं जो हार्डवेयर की चैनल है वो पूरी हमारी UPVC की फ्रेम के नीचे पूरी लगी होती है, क्योंकि उसे पूरा सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि सारे पल्लों का लोड उसी के ऊपर होता है और उसे स्लाइड भी करना होता है। ये हमारी फ्रेम का इनर व्यू है जो कि 75 mm की हमने मिनिमम यहाँ पर लगाई हुई है। अब इसको बंद करके अंदर से व्यू देखते हैं इसका। ये देखिए इसमें हिंचेस बाहर की तरफ और अंदर की तरफ हिंचेस लगाए जाते हैं, क्योंकि पल्लों को दोनों तरफ से रोकना होता है। जो फिक्स पल्ला होता है उसमें अंदर की तरफ से हिंचेस लगाए जाते हैं, और जो स्लाइडर वाले होते हैं उसमें हिंचेस बाहर की तरफ से लगाए जाते हैं। ये बोथ साइड लॉक यहाँ पर लगाया जाता है, इसमें हम की वाला भी लगा सकते हैं और विदाउट की भी लगा सकते हैं, जैसा हमारी रिक्वायरमेंट हो उस तरह का हार्डवेयर या लॉक लगा सकते हैं। ये देखिए इसका व्यू अंदर से बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी यहाँ पर सेम एक दूसरा आपको डोर दिखा रहे हैं जिसमें अंदर से भी व्यू है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी तरफ स्लाइड करने के लिए विंडो को बना सकते हैं। ये कलर ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक ब्लैक कलर की विंडो है, डोर बनाया गया यहाँ पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से ठंडे एरिया में। ये ब्लैक कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसलिए यहाँ पर ब्लैक कलर का भी यूज़ किया गया है, और ये एक रेनी एरिया में या ठंडे इलाके में ब्राउन कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो हमारे पास डार्क ब्राउन का भी ऑप्शन है। और इसके बाद ये जो कलर है ये लाइट ब्राउन है, जनरली ये कलर वुडन वाले एरिया में लाइक केरला या साउथ में ये कलर बहुत पसंद किया जाता है, इसलिए वहाँ पर लाइट ब्राउन कलर बहुत अच्छा चलता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। सेम यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल लुक में ग्रे कलर की डोर लगाया गया, यहाँ पर कोई भी हमारे घर ऑफिस में या हमारे किसी कॉमर्शियल प्लेसेस पे ग्रे कलर का डोर बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा ड्राइंग रूम है, हमारा एक टेरेस एरिया भी हो सकता है या कोई गार्डन एरिया हो सकता है, तो वहाँ पर ये वाइट कलर का डोर लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये एक अनदर ऑप्शन है, जैसे आपका कोई गोडाउन है या आपका कोई कॉमर्शियल प्लेसेस है, वहाँ पर आप किस तरह का ओपनेबल डोर लगा सकते हैं उसका इमेजिन के लिए यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, आप अपने सुविधा के अनुसार जैसा चाहें वैसा बनवा सकते हैं। ये जॉर्जियन वायर के साथ में डोर लगाया गया है, अगर आपकी खूब घर की खूबसूरती को और ज़्यादा चार चांद देना चाहते हैं तो आप अपने ओपनेबल डोर में स्लाइड एंड फोल्ड में जॉर्जियन वायर भी दे सकते हैं, थोड़ा सा खर्चा लगेगा बट बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पर ये कलर्ड ग्लास के ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार कलर्ड में टिंटेड रिफ्लेक्टेड या सेफ्टी ग्लास कैसे भी लगा सकते हैं, साथ ही अगर आपको डिजाइनर ग्लास लगाना है या फिल्म लगाना है तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है प्राइस की, तो प्राइस की बात करें तो यहाँ पर वाइट कलर में जो रेंज है वो 2200 रुपये से 2500 रुपये के बीच है, और अगर आप कलर्ड में जाते हैं तो वही रेंज 2700 रुपये से लेके 3000 रुपये स्क्वायर फुट के बीच आती है, या आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसी प्रोफाइल है या ग्लास है उस हिसाब से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमेशा की तरह आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वैसे तो मैंने इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारी आपको देने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई जानकारी रह जाती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। कृपया वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्लाइड एंड फोल्ड से रिलेटेड सारी जानकारी जल्द से जल्द मिल सके, ताकि वो अभी वो अपने घरों में जब भी वो लगवाएँ तो वो के बारे में सारी जानकारी पहले से रख सकते हैं। तो कृपया आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए। कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।